क्या ब्रेस्ट पंप आपके इसेंशियल बाइंग में से एक है इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर गोइंग टू आंसर ऑल दिस बेसिक क्वेश्चंस अबाउट ब्रेस्ट पंप फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेस्ट पंप कैसा होना चाहिए मैनुअल होना चाहिए या इलेक्ट्रिक सी डिपेंड ऑन द यूज आप क्यों ब्रेस्ट पंप खरीद रहे हो ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए अगर वो क्लियर है हार्डली लाइक like हम लोग हॉस्पिटल सेटअप में किसी के लिए एक या दो दिन के लिए जब ये सिर्फ फ्लो को स्टिम्युलेट करना है तभी अगर ब्रेस्ट पंप यूज़ करते हैं देन बाइंग अ मैनुअल ब्रेस्ट पंप इज़ अ गुड आइडिया ऑन द अदर हैंड हमारे पास एक मम्मा थी जिसको ट्विंस हुए उसके बच्चे साथ में रोते थे तो उसको यूजुअली दूध निकाल के एक बच्चे के लिए स्टोर करना पड़ता था एंड इट वाज एवरी डे हर डेढ़ घंटे बाद मम्मा को वही करना पड़ता था तो हम लोगों ने उसको सजेस्ट किया था प्लीज इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप लीजिए अदरवाइज वो बहुत टायरिंग हो जाता है सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आप सबको पता होना चाहिए हर एक के पास ब्रेस्ट पंप होना ही चाहिए क्या अस्ट्रिक्ट नो नो किस किस केस इसमें ब्रेस्ट पंप इसेंशियल हो जाता है अगर आपका डिलीवरी सडन किसी इमरजेंसी की वजह से सिजेरियन सेक्शन हुआ है जिसकी वजह से आपको अच्छा मिल्क फ्लो नहीं है तो यस ब्रेस्ट पंप फ्लो बढ़ाने में हेल्प करेगा सेकेंड थिंग आपके फ्लैट निपल्स है इन्वर्टेड निपल्स है या निपल बिल्कुल भी बाहर नहीं है तो बच्चा कोई 500 बार शक नहीं कर सकता तो आप ब्रेस्ट पम्प के हेल्प से निपल को बाहर लाने में हेल्प कर सकते हो जैसे कि हम लोग बोलते हैं हर एक घंटे बाद 200-200 टाइम्स अगर आप हर ब्रेस्ट के ऊपर ब्रेस्ट पम्प चलाते हो तो जो वैक्यूम क्रिएट होता है उससे निपल्स बाहर आने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है एंड थर्ड एरिया जहाँ पे ब्रेस्ट पम्प इसेंशल हो जाता है अगर आपको बच्चे को छोड़ के कहीं जाना है या आप और बच्चा सेपरेटेड है समथिंग अ नेगेटिव एग्जाम्पल बट किसी मेडिकल रीजन की वजह से बच्चा अलग जगह पे है आप अलग जगह पे हो तो आप बच्चे को दूध कैसे भेजोगे तभी हाथ से दूध निकालना बहुत पेनफुल हो जाता है तो अगर आप ब्रेस्ट पंप यूज़ करके दूध निकालते हो फिर उस दूध को प्रॉपरली स्टोर करके बच्चे के लिए भेजते हो यूजअली ब्रेस्ट पंप के साथ बॉटल और निप्पल अगर आता है आप उसको अगर बच्चे के पास भेज देते हो इट्स वेरी कंफर्टेबल टू फीड योर चाइल्ड द नेक्स्ट रीजन जिसके लिए ब्रेस्ट पंप है एक्सेस फ्लो दैट इज नेंगोजेंट ऑफ ब्रेस्ट आपको इतना ज्यादा फ्लो है कि ब्रेस्ट कड़क हो रहा है ब्रेस्ट में थोड़ा सा स्वेलिंग आ रहा है ब्रेस्ट में गांठे हो जाएगी ऐसा आपको रिस्क लग रहा है ब्रेस्ट लाल हो गया है एंड इट्स अनबेरेबल पेन ट्रेडिशनली गर्म तेल लेते थे और उसे मसाज करके ब्रेस्ट सॉफ्ट करते थे और एम करते थे कितना करोगे सो हेवी फ्लो इज अगर आपकी मम्मा को है तो आपको भी होगा हाथ से एम करना इज वेरी पेनफुल प्रोसेस तो ब्रेस्ट पंप तभी आपके लिए लाइफ सेवर का काम करता है आप अगर उसको लगा के प्रॉपर पंप करके निकालते हो तो काफी सारा दूध एम भी हो जाएगा सेकेंड थिंग बिकॉज इट्स स्टरिलाइज एंड क्लीन आप वो दूध बच्चे को देने के लिए भी यूज कर सकते हो राधर देन तेल भरे हाथों से निकाला हुआ दूध जो आपको फेंक देना पड़ेगा सो ब्रेस्ट पम्प बिकम्स वेरी एसेंशियल इन सारे केसेस में लेके। बट वंस अगेन इट्स नो नो अगर आपका बच्चा बहुत अच्छे से खुद होके फीड कर रहा है आपके निपल्स एकदम ठीक है आप घर पे हो आपको सिक्स मंथ्स का लीव है आप बच्चे के आसपास ही हो तो प्लीज डोंट यूज इट एज अ शॉर्टकट निकाल के रख दिया ना तो मुझे वहाँ पे प्रेजेंट रह के बच्चे को ब्रेस्ट फीड करने की ज़रूरत नहीं है कोई भी और फीड कर देगा हम मम्मा नहीं बनते हैं ताकि हम लोग दो चार शॉर्टकट ढूंढ सके ब्रेस्ट फीडिंग ये अकेला चीज़ है जहाँ पे बच्चा आपके ऊपर हंड्रेड परसेंट डिपेंडेंट है और यह हार्डली छः महीने है प्लीज एंजॉय दिस फेस टू इट्स फुलेस्ट यूज ब्रेस्ट पम्प एज योर फ्रेंड नॉट एज अ कंपल्सिव शॉर्टकट इन योर जर्नी ऑफ मदरहुड For this video's sake I have used Vava brand's breast pump it's a manual breast pump why I have used it because in one of the hospitals where I am working we have been using it with a lot of patients and it actually helping us out thank you so much to Vava brand people to allowing me to use this particular breast pump and make use of it to be aware about what to choose why to choose and when to choose and lastly to choose it or not. Thank you so much.